सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं, डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो कोई भी कंपनी में, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो या जोमेटो, आप कहीं पे भी अगर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब करते हो इंडिया में, तो आपको जो कि है क्या क्या एडवांटेजेस मिलेगा एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलेगा। और बाकी जितने भी बंदे काम कर रहे हैं ये सब कंपनीज में या कोई भी मतलब कि डिलीवरी की कंपनी है इंडिया में, तो उसमें जो कि उन लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलता है, आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी डिलीवरी कंपनीज है, जैसे कि आपका जोमेटो स्विगी हो गया जो कि फूड डिलीवरी करवाती है, और आपका ये अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया जो कि ई कॉमर्स डिलीवरी कराती है, या अभी ई कॉम एक्सप्रेस बोल लो, एक्सप्रेस भी बोल लो, या जो भी कंपनी इंडिया में बोल लो, सबका हाल एक जैसा ही है। जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक कंपनी के लिए दूसरे के लिए नहीं है, वैसा नहीं है, सब कंपनीज का यही हाल है। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ये काम करने का, अगर आप डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो कहीं पे, तो आपका क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, एडवांटेजेस के नाम पे एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो जॉब होती है ना, ये डिलीवरी वाली, ये बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है, तो उस केस में जो कि आप इस जॉब को आसानी से खोज के ज्वाइन कर सकते हो। एक कंपनी में नहीं मिला तो दूसरा कंपनी, दूसरे कंपनी में नहीं मिला तो तीसरा कंपनी, कोई ना कंपनी में आपको जो कि है जॉब 100% कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपके पास कंडीशन यही है कि एक बाइक स्कूटी या कुछ साइकिल वगैरह कुछ होना चाहिए एक चीज़, जिससे कि आप जो कि डिलीवरी वगैरह को कर पाओ, तो आपको जो कि ये जॉब आसानी से मिल जाती है। तो आपका एक तरह से कह सकते हो कि आपके बुरे वक्त में काम आ जाती है, यही बहुत बड़ा एक एडवांटेज इसका। और बाकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस तो इसका भर भर के है सब कंपनीज़ का। तो अगर हम इस टाइप के जॉब्स की अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें से सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है वेदर। तो देखिए, ये जॉब ऐसा जॉब है ना कि कोई भी वेदर हो, चाहे जैसा भी सीज़न चल रहा हो, आपको जो कि है काम करना पड़ता है, तभी जाके आपको पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि आप बैठे रहोगे और आपको जो कि पैसे मिलेंगे। चाहे बाहर पत्थर पड़ रहा हो, जोर की बारिश हो रही हो, या बहुत ही ज़्यादा ख़राब वेदर हो, ठंड पड़ रही हो, गर्मी हो, जो भी वेदर हो, आपको जो कि है उसी वेदर में उसी कंडीशन में काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, तो आपको जो कि है कोई भी वेदर में आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक है, या आप कह सकते हो डिसएडवांटेज। तो अगर दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको जो कि एम्पल ऑफ हार्डवर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क है इस काम में। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपको जो कि है पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ही, आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलता है, सब लाइन में ऐसा होता है। तो अगर आप थोड़ा काम करके छोड़ देते हो तो आपको जो कि है इतना कम पैसा मिलेगा कि जिससे आपका पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा। जो आप गाड़ी चला रहे हो ना, जिससे कि आप डिलीवरी वगैरह कर रहे हो, तो उसका पेट्रोल का भी आपका खर्चा नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको जो कि पूरा दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, पूरा एकदम हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो कि है पेट्रोल का खर्चा निकाल के आपके हाथ में कुछ पैसा बचेगा। तो इसके लिए जो कि आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कस्टमर्स भी जो होते हैं भैया, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आपको जो कि है ऑर्डर मिलेगा और आपको एड्रेस दिया रहेगा कि इस एड्रेस पर जाना है, इस सोसाइटी के अंदर घुसना है, और 5 तल्ला 10 तल्ले के ऊपर जो कि है उसको पार्सल्स डिलीवर करके आना है। तो आप सोचो, वो कस्टमर के लिए तो बहुत आसान बात है। कस्टमर जो कि है सिंपली ऑर्डर प्लेस कर देता है और डिलीवरी वाले बंदे को बोल देता है भैया आप 5 तल्ले पे आ जाओ, 10 तल्ले पे आ जाओ, चाहे उसमें लिफ्ट लगाओ या नहीं लगाओ। पर आप ही सोचो, डिलीवरी वाला बंदा जो कि एक कस्टमर को तो दिन भर में डिलीवरी नहीं करता, वो एक दिन में जो कि 10-15-20-25 डिलीवरी करता है। तो उतने लोग के अगर घर में वो जाएगा, उतने ऊंचे बिल्डिंग्स में चढ़ेगा, उतना मतलब कि पार्सल डिलीवर करके आएगा जाएगा, तो उसमें जो कि उसका बहुत ज़्यादा टाइम का भी खपत हो जाता है, और साथ ही साथ जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग जाता है। एक एक जगह पर जो कि है अपना गाड़ी को लगा के, फिर वो सोसाइटी में अपना सिग्नेचर वगैरह दे के, सब एंट्री करा के, वो अपने बाइक को बाहर में छोड़ के, अगर उसका कुछ पार्सल्स वगैरह भी होता है वो भी बाइक में वैसे रिक्स पे छोड़ के जाता है फ्लैट में कस्टमर के, और जो कि उसको डिलीवर करके आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी है इस पर। और अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें, जो एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है ये काम में। मतलब कि आप कह सकते हो वेरी हाई रिस्क वाला काम है ये और सब जॉब्स के मुकाबले। क्योंकि इस जॉब में ऐसा है, पहला बात तो आपको PF ESI के नाम पे कुछ कोई कंपनी देती नहीं है, शायद ही कोई कंपनी देती होगी PF ESI। वैसे डिलीवरी के काम में जो कि PF ESI का फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो आपका जो जॉब तो अनसिक्योर्ड है ही, साथ में जो आपका लाइफ है वो भी अनसिक्योर्ड हो जाता है। आपको कोई इंश्योरेंस, मतलब ज़्यादातर कंपनी आजकल ऐसा भी है ना कि इंश्योरेंस बोल देती है, और बाद में जब डिलीवरी बॉय के साथ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, तो उसका भी क्लेम नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये सब आप एक तरह से आप कह सकते हो बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉबैक्स हो जाता है। मैं सब कंपनी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे कंपनी में ऐसा है कि इंश्योरेंस क्लेम तक नहीं मिलता है, और PF ESI की तो बात बहुत दूर की है। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो कस्टमर्स का मिसबिहेवियर, मतलब सब कस्टमर्स को आप डिलीवरी करने
जाओगे तो सब कस्टमर्स आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, कुछ कस्टमर्स भाई बहुत अच्छे ही मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको घर पर बुलाएंगे, बैठाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, पानी पिलाएंगे, और कुछ कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे ना कि आपको जो कि है एकदम परेशान करके रख देंगे, आपको जो कि है बहुत ज़्यादा नखरा दिखाएंगे, पेमेंट करने में नखरा दिखाएंगे, आपको दो बात बोल देंगे, आपको मतलब वैल्यू बोलते हैं ना, एक वैल्यू रिस्पेक्ट वो नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ये डिसएडवांटेज हो गया। साथ ही साथ और हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो आप रोड पे दिन भर चलते हो गाड़ी लेके, तो रोड पे जो कि है जैसे कि आपको पता है एक जैसा रास्ता होता नहीं है, आप कस्टमर का जहाँ का ऑर्डर रहेगा आपको वहाँ डिलीवर करने जाना पड़ता है। ये तो नहीं है कि आप यही जगह पे रोज के रोज घूमोगे, आपको जहाँ का एड्रेस दिया रहेगा आपको वहाँ पे डिलीवर करने जाना पड़ेगा। तो रोड हर जगह एक जैसे नहीं होते, कहीं पे प्लेन रोड होता है तो कहीं पे गड्ढा गुड्डी रहता है, कहीं पे कीचड़ रहता है तो कहीं पे नाला रहता है, तो सब तरह के रोड पे आपको चलना सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कि है रोड में भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है, कई तरह की इश्यूज़ होती है। अगर आप ज़्यादा रात के टाइम पे डिलीवरी करने जाते हो तो थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ता है रोड, क्योंकि हर जगह के रोड हर जगह के एरिया एक जैसे होते नहीं है। साथ में एक्सीडेंट्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत रिस्क वाला जॉब हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क तो है ही, रिस्क भी है, और वेदर का भी प्रॉब्लम, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है। सब कुछ को अगर झेल के आप काम करते हो तब जाके आप जो कि आप कुछ पैसा कमा पाते हो एज ए डिलीवरी बॉय की जॉब में, या आप कह सकते हो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब में। तो ऐसा ही है मतलब भाई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब मत करो, आपको मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं करूँगा। तो देखिए ये जॉब जो है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का मैं खुद कर रखा हूँ, मैं एक साल से ऊपर जो कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का जॉब किया, एक कंपनी में नहीं किया, मैं 2-3 कंपनी में कर चुका हूँ चेंज कर करके। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है कि कैसा काम होता है, सब कुछ एक्सप्लोर किया है, सब कुछ समझा है, तो इसलिए जो कि मैं आपको भी नॉलेज दे रहा हूँ। तो इसी तरीके जो कि है आप भी कुछ काम कर सकते हैं। देखो ये बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ मतलब कि सोच रहे हो कि आपको टाइम बच जाता है पढ़ाई करके तो मैं कुछ काम करके कुछ पैसे एक्स्ट्रा बना लूँ, तो आप ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि ये सब काम में कोई आपको कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं रहेगा कि ना आज आपको ड्यूटी पे आना है तो कल आपको ड्यूटी पे आना है। आप अपने हिसाब से काम करोगे, आपको जब फ्री टाइम मिलेगा तब काम करोगे, और उसके साथ साथ जो कि आपको कुछ इनकम भी हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इस तरीके से काम करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, तो आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो सकता है। फ्यूचर ये देखिए कंपनीज़ की वजह से ब्राइट नहीं होगा जिसमें कि आप डिलीवरी कर रहे हो, इसमें ये आपको मैं क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनीज़ होती है ना डिलीवरी कंपनीज, अगर इसमें आप डिलीवरी करते रहोगे तो इसमें आपको कोई स्कोप नहीं है, इसमें आपका कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सब मतलब कि आप कह सकते हो आपका फ्यूचर पूरा बर्बाद है अगर डिलीवरी में अगर हर समय गिर लग गए। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लाइफ टाइम के लिए डिलीवरी की जॉब करते रहो। आप जो कि डिलीवरी की जॉब करो कुछ अपना पॉकेट खर्चा चलाने के लिए, आपका कुछ इनकम करने के लिए। जब आपका कुछ इनकम हो जाता है, आपका कुछ पॉकेट खर्चा अच्छा निकल रहा है, तो उसके बाद आप आगे दिमाग लगा सकते हो, कोई अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं करना, आपको बिजनेस करना है, तो अच्छे बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हो। अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, मेरी तरह आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, और भी बहुत कुछ है करने को लाइफ में, बहुत कुछ करके जो कि अच्छे अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप आपको ये वीडियो छोटा सा बहुत अच्छा लगा होगा। अरे वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में एक लाइक दे देना, और इसी तरीके की अगर वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।